बर्फ और आग दूल्हे के दिल के लिए एपिक बैटल में मिलेंगे। अभी वूहू वो मोशन पर। हाय स्वीटहार्ट, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। ओह बस करो, शुक्रिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या मैं? ये काफी अनएक्सपेक्टेड है। हाँ 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 बिल्कुल मैं करूँगी। कितनी सुंदर अंगूठी है। तुम्हारे हाथ ने मुझे जला दिया। डोरोथी के हॉट इमोशंस ने उसके बॉयफ्रेंड की उंगली को लगभग जला दिया। मैं इसे देखना बंद नहीं कर पा रही। साइज एकदम सही है, बहुत बढ़िया। हाय हनी, हाय, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं करूंगी। ग्रूम आइसी फॉक्सी के जैसा जम गया। कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मैं एंगेज्ड हूँ, मैं विश्वास नहीं कर पा रही। डोरोथी और उसका ग्रूम डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपने हनीमून के लिए कहाँ जाएं। टूर एजेंट बहुत उत्सुक है उन्हें मनाने के लिए, पर फिर भी वो कुछ ऐसा नहीं ढूंढ पाया जिससे उन्हें तसल्ली मिल जाए। देखो ये ऑफर बढ़िया है, सूरज, समुद्र, बढ़िया होटल, कुछ और देखो। डोरोथी की खुशी ने कमरे को इतना गर्म कर दिया कि टूर एजेंट ने ब्राइट को ये वेकेशन खरीदने के लिए मनाने का एक आइडिया सोचा। मेरे पास एक बढ़िया ऑफर है, ज्वालामुखी विस्फोट पर ट्रिप। ये ना भूलने लायक होने वाला है। नहीं तुम मजाक कर रहे हो, बहुत हो गया, कुछ नॉर्मल ऑफर करो। और ये रही आइसी फॉक्सी जो अपनी वेडिंग ट्रिप के लिए एक चिल स्पॉट चुन रही है। इन आइस बोल्डर्स को देखो, नजारे लाजवाब हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं, वहां बहुत ठंड होगी। पर क्यों? ये एस्किमो विलेज की ट्रिप, आप एक इग्लू में रहोगे। ओह मैं वहां जाना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है। क्या तुम पागल हो? बिल्कुल नहीं, नहीं मैं वहां जम जाऊंगा। नहीं ठीक है, ये रहा अंटार्कटिका, पेंगुइन्स आइस रोमांस। हाँ 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 मैं पेंगुइन्स देखना चाहती हूँ, प्लीज। जब तुम वेडिंग के लिए तैयार होते हो तो स्टेज के लिए एक वेडिंग डांस रिहर्सल बहुत जरूरी होता है, पर ऐसा लगता है कि डोरोथी का ग्रूम डांस में अच्छा नहीं है। कुछ और मूव्स के बाद हमारी हॉट गर्ल के पैर बहुत हर्ट होने वाले हैं। नहीं बहुत हुआ, मैं लीड करूंगी। अब यह डांसिंग की तरह ज्यादा लगता है। डोरोथी ने अपने डांस स्कूल में 5 साल बर्बाद नहीं किए थे। वो क्या है, मैं जल रहा हूँ, मेरे स्नीकर्स। हॉट गर्ल के हॉट इमोशंस दोबारा कंट्रोल से बाहर हो गए। ग्रूम ने फॉक्सी को अपना पूरा डांसिंग टैलेंट और मूव्स दिखाने का फैसला किया। बेचारी ब्राइड अपने पैरों को और महसूस नहीं कर पा रही। हनी अकेले घूमो। हमारा डांसर सीधा हॉट गर्ल पर लैंड हो गया। क्या वो एक एक्सीडेंट था? मैंने जानकर नहीं किया। कितना डरावना है, तुम सारे सूट में ढके हुए हो, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा ठीक है, तुम फ्रॉस्ट में ढक गए, पर कम से कम तुम साफ हो। डोरोथी ने अपनी शादी के पहले बहुत हॉट बैचलरेट पार्टी करने का फैसला किया। हम पूरी रात मजे करेंगे, चलो कॉन्टेस्ट के साथ शुरू करें। मुझे कॉन्टेस्ट पसंद हैं। जो भी ज्यादा हॉट पेपर खाएगा उसे ब्राइड से एक खास प्राइज मिलेगा। ये बहुत खूब। तो क्या तुम शुरू करने के लिए तैयार हो? चलो। ऐसा लगता है कि खाना बिल्कुल डोरोथी के लिए बना है, पर ब्राइड्समेड्स इतने तीखे खाने को खाने के लिए तैयार नहीं है। ये थोड़ा तीखा है। मैं इसे नहीं निगल सकती। फ्रॉस्टी फॉक्सी एक आईसी केव बैचलरेट पार्टी कर रही है। ये तुम्हारे लिए फॉक्सी। ओह ये क्या है, बर्फ? तुम इसे कैसे पी रहे हो? ठीक है, हमारी फायरी ब्यूटी इन रेगुलर कॉकटेल्स को सिर्फ अपनी सांस से सुपर हॉट कर सकती है। वोइला, एंजॉय लड़कियों, ये मेरी आइकॉनिक रेसिपी है। वो बढ़िया, चीयर्स। ये उबलता हुआ गर्म है, मैं इसे नहीं पी सकती। ऐसा लगता है जैसे डोरोथी अपनी बैचलरेट पार्टी से बहुत खुश है। स्वादिष्ट ड्रिंक, झूले, बीच और उसकी बेस्टीज, तुम्हें और क्या चाहिए? आईसी केव में पार्टी बिल्कुल अच्छी नहीं है। वाओ!
शायद जूस पोंग इसे बेहतर बना दे। चलो खेलें, मैं शुरू करूंगी। चलो भी, इसने काम नहीं किया। फॉक्सी परेशान मत हो, हम तुम्हें सिखाएंगे। वैम, ये मैंने कर लिया, बहुत बढ़िया। तुम्हारी बारी। कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक गेम है, मैं भी ट्राई करूंगी। देखो, मैंने भी मिस कर दिया। जब एक कोल्ड गर्ल किसी चीज को लेकर उदास होती है तो उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। वो आसानी से अपने आसपास की सभी चीजों को बर्फ में बदल सकती है। लड़कियों, चलो तैरने चलें, मुझे फॉलो करो। ब्राइट जब पूल में जाती है तो पानी उबलते हुए लावा में बदल जाता है। Ouch. मैं अंदर नहीं जा रही। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, हम तुम्हारा यहाँ इंतजार करेंगे। खैर, जो भी हो, ये काफी रिलैक्सिंग है। फॉक्सी, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बैठ लो। तुम्हें वहाँ वो पिनियाटा को तोड़ना होगा। ये बहुत बढ़िया, क्या तुम तैयार हो? लेफ्ट, राइट, इसे मारो। बहुत बढ़िया। फॉक्सी के लिए बढ़िया तोहफा हमेशा बर्फ होती है। फॉक्सी अपने वेडिंग मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है, पर ऐसा लगता है कि वो एक स्किल्ड मेकअप आर्टिस्ट नहीं है और रिजल्ट्स ने उसे उदास कर दिया। मुझे आशा है कि आई शेडो इसे बेहतर बना सकती है। नहीं, ये सही नहीं है। कोल्ड गर्ल इतना गुस्से में है कि उसके आसपास के शीशे भी जम गए हैं। हमारी आईसी ब्यूटी के लिए उसका चेहरा जम जाना बेस्ट मेकअप है। अब मैं बढ़िया दिख रही हूँ। और हमारी हॉट ब्राइट कैसे कर रही है? मैं अपने मेकअप से पहले कुछ हॉट स्टीम का प्रयोग करने वाली हूँ। अगला क्या होगा? ओह, मुझे पता है। जलते हुए कोयले के कुछ टुकड़े ब्राइट एक्सेंट ऐड करने में डॉरथी की मदद करेंगे। और हाँ, बिल्कुल, उसकी प्यारी चिली पेपर। ये किसी लिपस्टिक या लिप ग्लॉस से बेहतर है। वेडिंग की तैयारियां बढ़िया तरीके से चल रही हैं। समय है आउटफिट चुनने का। मैं एल्सा जैसे लगना चाहती हूँ और तुम ओलाफ जैसे। फायरी डॉर्थी अपने ग्रूम के लिए क्या पैक करेगी? तुम एक फायर फाइटर आउटफिट पहनोगे। तो क्या तुम्हें ये पसंद है? नहीं, कुछ और। घोस्ट राइडर का क्या? नहीं, इसे निकालो। एक क्लासिक वेडिंग टक्स बढ़िया है। हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हमारी सारी परेशानियां भी जा चुकी हैं और हैप्पी ग्रूम और ब्राइड अल्टर पर मिल रहे हैं। और हमेशा याद रखना कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अंगूठियां लाओ। ग्रूम ने अपना लेसन सीख लिया था, इसलिए वह अब सीरियस एंटी फ्रीजिंग प्रोटेक्शन का प्रयोग कर रहा है। तुम ब्राइड की उंगली में अंगूठी डाल सकते हो। और आखिरकार फायरी ब्राइट के लिए भी खुशी का पल आ गया। हमने कर लिया, हम हस्बैंड और वाइफ हैं। हनी, तुम्हारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, समय है बुके को टॉस करने का। बुके की हैप्पी क्लाइंट स्नू स्टॉर्म की वजह से गिर गई। अब वो हैरानी की बात है। ओह, मेरा ये मतलब नहीं था। लड़कियां तैयार हैं, अगला कौन है? डरी हुई लड़कियां जलते हुए बुके से दूर भाग गई। ऐसा लग रहा है फॉक्सी उस प्लॉटिंग कर रही है। उसे लगता है कि वेडिंग केक बहुत गर्म है। स्नो ब्लोअर को तैयार करो, चलो इस पार्टी को ठंडा करें। कितना अच्छा है, केक बहुत बढ़िया है। और ये रहे टूल्स, इसे तोड़ो। हमारी पहली वेडिंग आइस। वो एक असली कलरनरी मास्टरपीस है। चलो इसे इकट्ठे काटें। एक सेकंड रुको, हमें इसे थोड़ा गर्म करने की जरूरत है। पहला वेडिंग डांस। डॉरथी के आसपास मशालें जल रही हैं और हवा हीट और पैशन के साथ भरी हुई है।
और अब कोल्ड फॉक्सी अपने वेडिंग टैंगो में कुछ आइसी नोट्स ऐड करेगी और सिर्फ अपनी गेज के साथ इवनिंग हीट को ठंडा कर देगी। चीजें गंभीर हो रही हैं, वो किसे चुनेगा, फायरी डॉर्थी या आइसी फॉक्सी? और जब ये दोनों एलिमेंट्स मिले तो बारिश शुरू हो गई। हे उठो, क्या तुम्हें चोट लगी है? हेलो, क्या तुम ठीक हो? वो सिर्फ एक सुंदर सपना था, मैं जागना नहीं चाहता, मैं वापस जाना चाहता हूँ। हे, ये इसके साथ क्या हुआ, वह अजीब है, चलो यहां से बाहर चलें। क्या आपको हमारी गर्म और ठंडी ब्राइड पसंद आई? तो नीचे कमेंट में बताओ कि आपने किसे सबसे ज्यादा चीयर्स किया और क्या आप इस कहानी का कंटिन्यूएशन देखना चाहोगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल का बटन दबाएं। वो मोशन की कोई भी मजेदार वीडियो मिस ना करें।